बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट्सअप बॉलीवुड। हाल ही में हमने रुबीना दिलायक और निकी तंबोली को बिग बॉस ओटीटी के सेट पर देखा। दोनों बिग बॉस ओटीटी के घर में एज अ गेस्ट अपनी अपीयरेंस देने पहुंची हुई थी। अब इनके लुक के बारे में बात करें तो जैसा कि हम सब जानते हैं, रुबीना दिलायक अपने लुक्स को लेकर काफी एक्सपेरिमेंटल हैं, लेकिन डीप डाउन उन्हें साड़ी और ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनना काफी ज्यादा पसंद है। वहीं निकी तंबोली की बात करें तो उन्हें वेस्टर्न और बोल्ड ड्रेसेस पहनना काफी ज्यादा पसंद है और इनको लेकर वो काफी सुर्खियों में रहती हैं। 6 महीने बाद रुबीना और निकी बिग बॉस के सेट पर लौट रहे थे। ऐसे में रुबीना ने चूज किया साड़ी पहनना। रुबीना ने एक वन शोल्डर नेटेड ब्लाउज के साथ ग्रे सिल्क साड़ी पहनी थी जिसके बॉर्डर पर एम्बेलिशमेंट्स बने हुए थे। वहीं उन्होंने सिंपल मेकअप के साथ एक न्यू हेयर स्टाइल कैरी किए हुए था जो कि उनके लुक में काफी ज्यादा क्यूटनेस ऐड कर रहा था। अब अगर हम निकी तंबोली की बात करें तो उन्होंने एक डार्क पिंक फ्लोई ड्रेस पहनी हुई थी। निकी के ड्रेस में प्लंजिंग नेक बने हुए था, वन साइडेड लॉन्ग फ्लो भी था और निकी ने अपने इस बैकलेस ड्रेस के साथ काफी इंटरेस्टिंग हेयरडू यानी कि हेयर स्टाइल बनाए हुए था और निकी तंबोली अपने इस लुक में काफी ज्यादा रॉकिंग लग रही थी। वेल, आपके हिसाब से बिग बॉस ओटीटी के घर में एज अ गेस्ट पहुंची रुबीना और निकी तंबोली में से किसका लुक सबसे बेस्ट लग रहा है, कमेंट्स में हमें जल्दी बताइए। लेकिन इससे पहले कि आप ये वीडियो देखना बंद करें, मैं आपको बता दूं कि रुबीना और निकी दोनों ही बिग बॉस ओटीटी के घर पे सबसे पहले जब आई थी तो काफी कैजुअल लुक में आई थी। निकी तंबोली की बात करें तो उन्होंने एक ओवरसाइज्ड हुडी के साथ ब्लैक शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई थी। वहीं रुबीना दिलायक ने ओवरसाइज्ड व्हाइट कुर्ती के साथ ब्लू डेनिम जीन्स पहनी हुई थी। इन दोनों का कैजुअल लुक आपको कैसा लगा वो भी हमें जल्दी से कमेंट्स में बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड।